अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैंने जो आप लोगों को बताया था हेयर स्ट्रेटनर, वो मैंने अब मैं आज प्रैक्टिकली करने जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे पार्टी में जाना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको फिर से बना के दिखलाऊँ उसे पूरी तरह से। देखिए, मैंने कॉफ़ी सुहागा यानी कि बोरेक्स पाउडर, देसी शक्कर और सब कुछ तैयार रखा है। दही मैं आपको दिखलाती हूँ मैं इसे कैसे बना रही हूँ। देखिए, इसे मैंने कितनी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। शीशे के बर्तन में मैंने रखा है इसे, क्योंकि शीशे में डालने से फ़ायदेमंद ज़्यादा हो जाता है। ये एल्युमिनियम या स्टील में आप डालेंगे तो उसे इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप इसे शीशे के बर्तन में कीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे 10 मिनट छोड़ दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। और बोरेक्स जो होता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसे हमने बताया था कि सुहली अगर चेहरे पे या बदन बॉडी में कहीं पे भूरे दाग हो जाए, जिसे हम लोग सुहली बोलते हैं, और कुछ और क्या क्या और पता नहीं क्या बोला था उसे, ब्राउन ब्राउन दाग जो होते हैं, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है ये। और इसमें हमने देसी शक्कर, दही, कॉफ़ी के भी फायदे आप जानते ही होंगे। ठीक से मैंने इसे ऊपर रख लिया है इसलिए कि रोशनी में आप लोगों को ठीक से दिख सके। और इसे लगाने, बालों में लगाने के लिए हम एक ऐसे ब्रश का यूज़ करेंगे। अब मैं इसे अपने बालों पे लगाने जा रही हूँ। ये देखिए मेरे बाल, अब मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, अभी अब लगाने वाली हूँ। मैं खुद ही शूट कर रही हूँ तो इससे थोड़ा मुझे मुश्किल होगा, लेकिन आप किसी और से लगवाएं तो इजी भी है, और मैं लगा भी रही हूँ, शूट भी कर रही हूँ तो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। थोड़ा आप लोगों को थोड़ा समझ देखने में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ सॉरी। मैं धीरे धीरे अपने यूट्यूब चैनल को और सही करूँगी। देखिए, मैंने इसे अपने यूज़ करके अपने बालों पे ऐसे क्लचर लगा करके उसे मोड़ के लगा दिया है। ये देखिए ब्रश, इसी से मैं अपने बालों के इस तरह से, देखिए मैं अपने बालों में से लगा रही हूँ। देखिए ये ब्रश को मैं एक हाथ से, समझ में नहीं आ रहा है कैसे शूट करूँ, वैसे ब्रश से इसे अपने बालों पे लगा रही हूँ। और जिन्हें कुछ एलर्जी है वो पूरा सर से ना लगाएं, नीचे से ही लगाएं बालों में, और जिनके बाल नॉर्मल है, जिन्हें कोई एलर्जी नहीं है, वो पूरा स्कल्प से भी लगा सकते हैं। मैंने अपने बाल धो लिए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे ठीक से दिखलाऊं। ये देखिए अभी पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब मैं अपने पार्टी में जाने की तैयारी करूंगी और हो सका तो वहाँ की भी वीडियो शेयर करूंगी। बाय, अल्लाह हाफिज़।